सिंह सर की जनता के लिए क्या संदेश देना है? एक ही संदेश, मजबूती से चुनाव के अंदर जुट जाना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से बोतल का चिन्ह दिखना चाहिए, आपको जिताना है, जितने ज्यादा वोटों जीतेंगे उतनी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पार्टी के अंदर भी दिल्ली में कद बढ़ेगा, दिल्ली से विकास नागौर की और विकास की गंगा बहेगी, नागौर राजस्थान को भी नया हम विकास के पथ पर लेके जाएंगे। क्यों सर, मेरा परिवार है, यहाँ मेरे भाई हैं सारे, मुझे नेता नहीं मानते, सब लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। एक ही अपील नौजवानों को, अपना लक्ष्य प्राप्त करे बिना रुकना नहीं, थकना नहीं, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति को स्थापित करना है। दिल्ली तक आपकी गूंज, मैंने दिल्ली तक गुंजायमान किया तेजाजी के जयकारे को, और राजस्थान के बाद दिल्ली की बारी है, दिल्ली तक किसानों का सम्मान बढ़ाएंगे। क्यों करके मेरे भाई से अपील की ज्यादा संख्या में वोट डाल के कांग्रेस की जमानत जब्त कराए। क्यों करके संदेश अशोक गहलोत को, अगर गहलोत यहाँ हारते हैं तो गहलोत की विदाई तय है, दोनों सीट जीतने का मतलब अशोक गहलोत की रवानगी राजस्थान, और गहलोत की रवानगी का मतलब राजस्थान का भला हो जाएगा। कार्यक्रम में हमारे साथ थे हनुमान बेनीवाल जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह मैंने ओंकार प्रीति नागौर की धरती से आवाज मध्य प्रदेश पहुंची, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर बड़े आंदोलन हुए किसान कर्ज माफी को लेकर, देश के अंदर एक हवा बनी, और हनुमान की ओंकार का ही परिणाम था कि भाई साहब विधानसभा के अंदर आपने हमसे बात करके कहा कि कर्जा माफ होना चाहिए, स्टेट हाईवे टोल मुक्त होना चाहिए, मुफ्त बिजली की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने करी, लेकिन हमें गौरव है उनकी आवश्यकता राजस्थान के अंदर पड़ गई। ये सेमीफाइनल है, गहलोत के बेटे को हराने वाले गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने गहलोत के बेटे को हराया, उसके अंदर आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं कि सेमीफाइनल के अंदर जीत आपकी होगी, और जीत के दो मायने भी होंगे, पहली बार किसान का बेटा सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है, वैसे तो गुलाम जी भाई साहब भी किसान नहीं अध्यक्ष रहे, लेकिन गांव खेत धारी से आए व्यक्ति जो संघर्ष चिंता देखा विश्वविद्यालय के अंदर, मैं तो सतीश जी को वोट दिया था जब यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, और दोनों क्षेत्र मंडा और खींवसर कांग्रेस अगर आती है तो गहलोत की विदाई भी उसी तरीके से हो जाएगी जिस तरह उनके बेटे की विदाई जोधपुर से हुई थी। ये मैं आपको बताता हूँ भाइयों, इस मंच पे हमारे बड़े भाई राजेंद्र राठौर साहब बैठे, और जोशीला भाषण आपको दिया रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, हम सब बहुत पहले आगे यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए, अरुण चतुर्वेदी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के प्रभारी है, अर्जुन मेघवाल साहब केंद्रीय मंत्री है, मेरे से विशेष लगाव है, हमेशा मेरा ध्यान भी रखते हैं, गजेंद्र सिंह जी बैठे शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब आज ये भी मंच पे आए और ये आह्वान कर रहे हैं कि खींवसर की जीत की गूंज मोदी जी तक सुनाई देनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। रामनाम जी डूडी बैठे, दर्शन सिंह जी विष्णु जी बैठे, मोहन जी एमएलए साहब बैठे, हमारे रूपाराम जी एमएलए साहब, पबा राम जी एमएलए साहब, इंदिरा बावरी जो स्टार प्रचारक थी हमारे नागौर लोकसभा की, तमाम हमारे रमाकांत जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, और मेरा छोटा भाई नारायण जो इस रण के अंदर आपका आशीर्वाद से उतरा है। मैं परिवार के अंदर चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं पहले जो भी परिवारवाद का आरोप लग सकते हैं, लेकिन जब मैंने 1000 की तादाद के अंदर आपको घर पर इकट्ठा किया, आप एक ही बात कही थी कि आपके परिवार से चुनाव लड़ाओगे तो वोट डाल देंगे, नहीं तो हमारी मर्जी से वोट डालेंगे। इसलिए भाइयों, मैं सीट गहलोत के खाते में भी लेना नहीं चाहता था, और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ये 2013 के अंदर मेरे ही सिंबल पे चुनाव लड़ा था, हमारा दोनों का एक दिन था, ये मेरे घर पे आया था और मैंने उसके नाम से चुनाव लड़ा के अंदर। लेकिन अगर ये तुम्हें आके कह रहा था कि मुझे तो एमएलए बनना है, तो भाइयों मैं शायद 1000 लोग आते थे आपकी बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के चिन्ह पे नहीं, भाजपा आरएलपी के चिन्ह पे बना था, कांग्रेस के चिन्ह बहमान नहीं बना था। आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने किस तरह राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली, 8 घंटा बिजली, कानून का राज, पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाए चुनाव के अंदर, आपने देखा होगा कि गहलोत की सरकार से वेंटिलेटर भत्ता ली गई, 99 रुपए पर रह गई। भाइयों, एक ही व्यक्ति है विधानसभा के अंदर जो गुलाब जी राजेंद्र जी सारी सरकार की लड़ाई लड़ते हैं,
लेकिन सड़कों पे अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो मारवाड़ की धरती पे आपका भाई हनुमान बेनीवाल सांसद बनके भी माफ पड़ाव कर रहा है। मंडरा जाति के लिए भी जो आंदोलन किया, जिस जाति का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं राजस्थान के अंदर, जब मुझे उचित लगा कि बंजारा जाति तकलीफ के अंदर हनुमान सड़क पे आ गया, ये राजस्थान के अंदर पहला उदाहरण होगा कि सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा और इनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करा रही है। ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए मैंने आंदोलन नहीं किया। लोग अब मेरे को दो चार छोटे मोटे और दोस्तों को ध्यान रखिए, जो ठीक से अब अपने से बात करते हैं। और भाइयों एक विश्वास आपको दिलाता हूँ, इन दोनों उपचुनाव की जीत से सतीश पूनिया का कद भी दिल्ली के अंदर बढ़ेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। इन तमाम नेताओं का जो आज हेलीकॉप्टर से आपके दर्शन करने के लिए आए, आपकी इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर लेकर आपकी क्या हेलीकॉप्टर की आदत पड़ गई और मेरे पास ज्यादा सामान है नहीं, हेलीकॉप्टर में बता दू अब आप तो हेलीकॉप्टर देखते भाग जाते हो चढ़ जाते हो कूदते। भाई साहब कह रहे थे ये गाड़ी को यूं क्यों घुमा रहा, मैंने कहा नागौर है भाई साहब तो गाड़ी को यूं कर, तो मैंने कहा नागौर के दौरा आपको बहुत समझाता हूँ, ये मानते रहे दो तीन मिनट और बोलूंगा दो तीन मिनट। अब चूंकि इनका जहाज उड़ने वाला है और आप जानते हो हेलीकॉप्टर वाले किस तरह के होते हैं, मानते नहीं उड़ जाते हैं, नाराज जल्दी होते हैं, ये साथ ही रहते हैं हमेशा, इसलिए इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई भी है कि नहीं। तो मैं दो मिनट के अंदर ये अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये जो जीत होगी वो खीउत्तर की जनता की जीत होगी, छत्तीस को उनकी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की जीत होगी। और भाइयों मुझे आप जितना कहोगे, मुझे पता पिछले चुनाव के अंदर मैं वोट मांगने खीउत्तर की धरती पर नहीं आया था, मैं एक ऐसा नेता था राजस्थान के अंदर जो सिर्फ चार मीटिंग करके गया था और आपने कांग्रेस को परास्त किया और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी गठबंधन में आपने 55,000 की बढ़त दिलाई, तब मैं दो मीटिंग करके गया था, मुझे आप पर विश्वास था। लेकिन इस बार मुझे मंडावा भी जाना है, मंडावा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है और अशोक गहलोत के दांत खट्टा करने मंडावा के अंदर, और हरियाणा की धरती पर भी हनुमान बेनीवाल मोदी जी जो धारा 370 हटा के देश को प्रदेश को और जिले को आगे लाने का काम किया। अरे आप सुनो, इनका जहाज उठ रहा है, मैं मेरा भाषण देता रहूंगा, ठीक है ना भाई साहब को जाने दो। मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, 21 तारीख को लोकल के निशान पे भारी वोटों से जीता है, 55,000 से बीजेपी आरएलपी गठबंधन से मुझे जीत दिलाई थी। उसी तरह आपको मेरे छोटे भाई नारायण जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का स्वयं प्रत्याशी है, अगर चक्कर काटने का मौका दिया तो मंडावा की जीत भी आपकी झोली के अंदर होगी और हरियाणा के अंदर भी कई चुनाव के अंदर करेंगे। आप सब आए और 6 घंटे इंतजार किया, हजारों हजार की संख्या के अंदर आए, हमें आशीर्वाद मेरे परिवार पे रखा, 6 बार मुझे वोट डाल दिए और 6 बार मेरे पिताजी को वोट डाल दिए, 12 बार आपने वोट दिया, आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे परिवार के ऊपर है और मैं विश्वास दिला।